हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी रेसिपी है दाल पॉकेट्स। ये बहुत ही सिंपल और इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल, हरी मिर्च, जीरा और धनिया। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 1/4 कप छिलके वाली मूंग दाल ली है और 1/4 कप येलो मूंग दाल ली है। इसे 2 से 3 घंटे तक भिगोकर रखें। अब इसे वॉश करके एक छन्नी की मदद से इसमें से पानी निकाल लें। अब इसे एक मिक्सी के जार में निकालकर ग्राइंड करें। इसमें पानी न ऐड करें। अब इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करें। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसे कोर्सली ग्राइंड कर लें। अब इसे एक बाउल में निकाल कर साइड में रख दे या फिर फ्रिज में रख दे। चटनी बनाने के लिए मिक्सी के जार में 1/4 कप चॉप की हुई ताज़ी लाल मिर्च ऐड करें, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काचर पाउडर या नींबू का रस, 1 कप धनिया के पत्ते। अब इसे कोर्सली ग्राइंड कर ले। अब इसे एक बाउल में निकालकर साइड में रख दे। पिसी हुई दाल में 1 टीस्पून जीरा ऐड करें, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप बारीक कटी हुई धनिया, नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब हमारा मसाला तैयार है। अब गेहूं के आटे का एक छोटा सा बॉल तैयार करें। हमने पहले से ही आटा गूंध के रखा है। इसको बेल कर एक पतली रोटी तैयार करें। अब इसमें 1 टेबलस्पून दाल के मिक्सचर को स्टफ करेंगे। सेंटर पे इस मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और अब चारों तरफ से इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसे चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर ले। इसे हल्का हल्का प्रेस करें। अब फोल्डेड साइड को गरम तवे पर रखें। थोड़ा सा पकने के बाद इसे फ्लिप करें। अब इसे इस तरह से पिंच करें। एक साइड पकने के बाद इसे फ्लिप करें। इस तरह से दूसरी साइड भी पिंच करें। हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर ले। जब तक कि ये कुक हो रहा है, आप पास में दूसरा पीस भी तैयार कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से कुक होने दे। इसी तरह बाकी के पीसेस भी तैयार करें और दोनों साइड पिंच करना न भूले। अंदर की दाल को पकाने के लिए हमने इस तरह से इसे पिंच किया है। इसे आप तंदूर पे भी बना सकते हैं। दोनों साइड अच्छे से कुक करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल ले। अब इस पे दोनों तरफ घी अप्लाई करें। हमारा दाल पॉकेट्स तैयार है। अब एक पिज्जा कटर की मदद से इसके स्लाइसेस करें। धनिया के पत्ते से इसे गार्निश करें। इसे गर्मा गर्म तैयार की हुई चटनी के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।